चुनावी बवाल की ये तस्वीर सोचने को मजबूर करने वाली है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र लाठी के जोर पर ही चलेगा। बैरकपुर में मतदाताओं के साथ जोर जबरदस्ती और धमकाने की खबरें सुबह से ही आने लगी थी। जब बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह हालात का जायजा लेने पहुंचे तो गुंडों ने उन पर भी हमला कर दिया। बैरकपुर के ही एक पोलिंग बूथ में वोटिंग के दौरान अचानक हंगामा मच गया। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ में ही भिड़ गए। हालांकि कुछ लोगों का आरोप था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी फैलाई है। बैरकपुर में कई जगहों पर वोटिंग के दौरान सड़क पर घूम रहे गुंडों का आतंक दिखा। गंजगली इलाके में घर के बाहर जमा कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें दो लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा बदमाशों ने मौके पर तोड़फोड़ भी की। यहां भी आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही लग रहे हैं। उधर हुगली में भी पोलिंग बूथ में गड़बड़ियों की शिकायत आई। बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने कई बूथों में छापामार कार्रवाई की। हालांकि अपनी इस छापामार कार्रवाई के दौरान खुद लॉकेट चटर्जी भी हिंसा का शिकार हो गई। उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। साइडिंग ऑफिसर पूरा के पूरा एकदम तृणमूल को एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सीआरपीएफ जो है इधर सीआरपीएफ सामने नहीं है। पूरा के पूरा जो इधर का जो वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस अभी बूथ के सामने क्या कर रहे हैं। बूथ के लिए तो मना किया था इलेक्शन कमीशन, पूरा के पूरा इलेक्शन कमीशन मना किया था, लेकिन पूरा के पूरा ये जो कंट्रोल धनियाकाली पुलिस ने कर रहा है ये तो ठीक नहीं है। हुगली और बैरकपुर के अलावा बनगांव लोकसभा क्षेत्र में भी हिंसा हुई। बनगांव के एक पोलिंग बूथ के बाहर उपद्रवियों ने बम फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इन हालात के बीच मतदान के बाद बीजेपी दोबारा चुनाव की मांग कर रही है। आज हमारी मांग है कि बैरकपुर में पुनः चुनाव कराए जाए, क्योंकि आज जो हुआ है वो लोकतंत्र के नाम पर एक रिगिंग पोल हुआ है, डेमोक्रेटिक पोल नहीं हुआ है, और इसलिए वहां रीपोल किया जाए। हिंसा और बंगाल की सियासत एक दूसरे में खुल मिल चुकी है। ताजा चुनाव में भी वही पुरानी तस्वीर खुद को दोहरा रही है। पिछले सभी चरण के मतदान की तरह पश्चिम बंगाल का ये चरण का मतदान भी दो बातों के लिए चर्चा में रहा। पहला तो बम्पर वोटिंग और दूसरा खूनी खेल, जिसमें खून बह रहा है हिंसक झड़पों में। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। हिंसा यहाँ पर हर बार होती है, भले ही वो वाम मोर्चा की सरकार हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता हो या फिर एक और चुनाव, और इन सब के बीच में खून हमेशा ही बहता है। कैमरा पर्सन तापस बैरी और बैरकपुर में इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हावड़ा।